जी मौजूद हैं लाहौर में बरकी रोड से जा रहे हैं सरदारों की हवेली बॉर्डर के पास। बात क्या है यार, यहाँ पे बॉर्डर के साथ जो पुराने घर है ना, पुरानी हवेलियाँ, उनमें ये हवेली है सरदारों की हवेली के नाम से मशहूर। मतलब वो पार्टीशन के दौर की होगी। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम रिंग रोड से उतरे हैं, बरकी रोड पे जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बॉर्डर का इलाका आई थिंक शुरू हो गया, इनके चेक पोस्ट वगैरह आनी शुरू हो गई हमारी। ये चेक पोस्ट नहर जा रही है, नहर जा रही है। अच्छा, हम रिंग रोड से चढ़े उतरे और बरकी रोड पे आ गए। अभी हमने 5-6 किलोमीटर और जाना है, और जाना है। अभी हमने तकरीबन 6 किलोमीटर और जाना है। दो मंजिला हवेली है यार। अच्छा, तय खाना है उसके अंदर। तो जो आस पास के लोग हैं इलाका मकीन, मतलब हमारे रिपोर्टर आसिफ भाई, उन्होंने हमें रेफर किया कि आप, उन्होंने लाइन अप किया। फिर हमारे ब्यूरो चीफ जो है लाहौर के, मोहम्मद इलियास साहब, उन्होंने कहा कि आपके, आप अगर देखने हैं, आपने मिलना है, तो आप चले जाएँ वहाँ। हमारे ब्यूरो चीफ साहब ये कह रहे हैं कि आपको अगर देखना है तो आप बिल्कुल चले जाएँ, चले जाएँ वहाँ पर। सरदारों की हवेली है। और ये थे जोर से, वहाँ आंसू आ गए यार। अल्लाह अल्लाह। जी सीढ़ियाँ उतर रहे थे अभी, ये पड़ा है पैर इस पे ना मेरा, तो देख ही रहा था क्या। अरे यार, बहरहाल बहरहाल, सुहेल भाई पहले ही एक कमर के दर्द लेके जो है वो नीचे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। दूसरे यहाँ पर आए हैं अभी शाम में, रात में नहीं। सुहेल भाई तो दाखिल होते हैं, उन्होंने कमर पकड़ ली अपनी। और हम अभी एक इसके चबूतरे पे पहुंचे हैं, तो इनका पाँव जो है वो वजन आ गया। और कह रहे हैं अभी बिल्कुल वजन नहीं दिया हुआ इस पाँव पे, मैं एक पाँव पे खड़ा हुआ हूँ। असद ये तहखाना जा रहा है, चल सकते हैं? नहीं, अगर पैसे मिल जाएंगे 5-10 मिनट का, इकट्ठे चलते हैं एकदम। फिर आगे अच्छा तो एक काम ये कर, बहुत है ये बस। हुई ये जी वो तहखाने हैं जिनको कह सकता हूँ मैं कि सदियाँ बीत चुकी हैं। अंदर से चमगादड़ें आ रही हैं, जा रही हैं, और अल्लाह करे एक इत्तेफाक ही हो कि हमारे दो टीम मेंबर अभी शाम में यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है ना, एक की कमर साथ छोड़ गई और एक का पाँव जो है उस पर वजन आ गया, मुड़ गया। ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी, एक हाथ के साथ हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन यहाँ के बारे में यही कहते हैं कि जाते हैं लोग नुकसान उठाते हैं, बीमार होते हैं, चोटें लगती हैं, सुना यही था। अब ये देखें आपके सामने है। अल्लाह पाक क्या हो गया, सीढ़ियाँ उतर ये सीढ़ियाँ उतरते उतरते ना पाँव पे वजन वजन आ गया। मुड़ो मुड़ गया। अभी ऊपर अगर आप दिखाएं तो अभी रोशनी बाकी है, मगरिब हुई नहीं है। अगर आप दिखाएं तो है ना, आ रही रोशनी। वालेकुम अस्सलाम। आपका पूरा तारुफ करवाइएगा। सरदार सैफुल्ला संधू नाम है जी मेरा। सैफुल्ला भाई किस जगह मौजूद हैं हम? जिस जगह हम लोग मौजूद हैं
ये एक हवेली है, इस हवेली का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू, और ये गांव पढ़ाना लाहौर का एक गांव है बॉर्डर बेल्ट के ऊपर, बॉर्डर पे। बिल्कुल जी जैसा आप कह रहे हो, जैसा आपने सुना है, बिल्कुल 101% बिल्कुल ठीक आपने सुना है, क्योंकि जिन्नात और जो ऐसी बदरू है वो बसेरा ही जो टूटी फूटी जगह होती है या खंडरात या कोई पुरानी हवेली जो तबाह बर्बाद होती है तो उधर बसेरा कर लेती है। यहाँ कोई वाकया हुआ? इधर बिल्कुल हुआ है जी वाकया। क्या हुआ? इधर जो गांव के जो रात के टाइम अक्सर औरतें या बच्चे या कोई खवातीन गुजरती थी वो अक्सर कहती हैं कि इधर से कोई चांदनी जैसी कोई रोशनी आती है जी, शेडो साया नजर आता है जी, कोई जैसे परियां या जैसे कोई जिन्नात या कोई चुड़ैले इस टाइप के बच्चे और ये औरतें जो नौजवान या जो आदमी बुजुर्ग गुजरते हैं वो कहते हैं कि इस हवेली से कोई ऐसी चीजें नजर आती हैं। मैं सैफुल्लाह भाई, मतलब ये इलाका मकीनों का मानना है यहाँ पर? जी बिल्कुल। क्या किसी ने उसको मतलब ये तो महसूस किया होगा ना, शुबा होगा कि कोई साया गुजरा, कोई रोशनी गुजरी, क्या उस मखलूक से किसी का वास्ता पड़ा है, देखा है किसी ने उसको? बिल्कुल देखा है जी, अक्सर विजिटर आते हैं ना, अकेला जो बंदा आता है रात के टाइम में, उनके साथ एक दो वाकयात हुए हैं कि कहते हैं कि सरदार साहब कोई ऐसी हमें चीजों ने धक्का दिया कि मरे हवास खता हो गए थे तो हम वापस भाग गए हैं। इस तरीके से जो वाइट कलर में मलबूस है, खतून थी, चड़ेल थी या बदरू थी, उसने आके हमें धक्का दिया। सही महसूस हुआ लोगों? जी महसूस हुआ। तो आपने कभी जानना चाहा कि यहाँ पर क्या है? किसी आप बाबा साहब को, पीर साहब को, आलिम साहब को लेकर आया, उससे पूछा आपने कभी? एक दो को लेके आए थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जरा कुरान की तलावत किया करें और दम दरूद अपने करके गए। अच्छा। बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी। अच्छा। तो उन्होंने क्या कहा, है यहाँ पे कुछ या नहीं? उन्होंने कहा है जी, इधर बसेरा है। यहाँ पर एक तहखाना भी है? बिल्कुल है जी तहखाना। मैंने ये सुना है कि रात में नहीं जाता कोई अंदर उधर? बिल्कुल। ये क्या वजह है वहाँ? रात को कहते हैं जी जो तय खाने में, उधर इनका मंबा है जो जिधर ये रहती हैं या बसेरा, जिधर ये इबादत करती हैं या जो भी देसी लोग इधर के जो बुजुर्ग पुराने कहते हैं जी, तय खाना एक बिल्कुल बंद है, बसेरे जमीन है, कोई नहीं जुरत करता आने जाने की उधर। सैफुल्लाह भाई, आपने कुछ महसूस किया या बजाते खुद? बजाते खुद मैंने जो रात के टाइम वो अक्सर मैंने महसूस किया है। अच्छा, क्या? बिल्कुल, जब ये कह सकते हैं लाइट चले जाती है तो अक्सर छन छन की आवाजें आती हैं, इस तरह कुछ शेडो साया सा, और ये जो वाइट कलर की रोशनी, नूरी रोशनी जिसे कहते हैं, नूरानी टाइप या वो एक ऐसी सराउंडिंग में ना इर्द गिर्द ये किले की हवेली से आवाजें आती हैं। ना पर वो क्या आवाज सुन रहे हो सज्जाद? मेरे पीछे कोई है? मेरे पीछे कोई है? जी जैसे बताया आपको कि थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रेजडी हो गई है, असद का पाँव जो है वो शदीद मुड़ गया है, और अगर आप दिखाएं तो ये क्या पोजीशन है भाई? अब यार पूरा जो है ना वेट उस पर आ गया, अभी इस वक्त सुन हुआ है पाँव में। अच्छा। हाँ, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये पूरा सुन सा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना वो सुइयाँ सुइयाँ सी होती हैं ना, वो हो रही हैं। लेकिन इसको मूवमेंट में रखना जितना हो सके ना। नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बीच में आपको ज्वाइन कर लूँ आके ना। पूरी कोशिश है। सुहेल भाई हमारे कमर के दर्द में मुब्तला है। सुहेल भाई कमर का क्या, मोरों में क्या होता है, क्या कहाँ महसूस हो रहा है? समझ नहीं आ रहा कि बिल्कुल जोर के ऊपर जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और खड़ा अगर हो जाता हूँ तो फिर चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल। पढ़ते भी रहे अलग करें, मैं फिर शुरू करूँ? करें इंशाल्लाह, ये क्या मेरी कोशिश होगी, मैं ज्वाइन कर लूँगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, बात नहीं। और ये यार ये मुझे वाकई नहीं आया समझ में कोई बात, ये दोनों हो जाए ना, क्या हुआ है अचानक? मेरी आवाज़ भी पता नहीं क्या हो गया, अजीब सी हो रही है, क्या हुआ? इसी में कोई बेहतरी होगी, कोई बात नहीं, ऐसी कोई मसला नहीं। तो अबू बकर भाई चलते हैं जी, चलो मैं आता हूँ। ख्याल से भाई, अल्लाह ने भगवान जी वो तो बहुत ख्याल से ध्यान से
यहाँ तो बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा, खासकर जरा सी गलती जो है ना यहाँ पे, कोई चोट ना लगे, डबल एहतियात से करना, बेबी स्टेप लेना, ठीक है, तो बेबी स्टेप्स होते हैं ना, उनसे लेना। इसको क्या हो गया, देख के स्लिप टी है, आराम आराम से उतरा, ये चमकाता देख रहे हो, जी जी आ जाए आ जाए, लाइट आज की आएगी ना, हमें तो मिलते रहते हैं, ये बेबी इस पे स्लिप नहीं गया, तो बगैर पाँव आराम से रखना, बहुत आराम आराम से, ये स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं आप, आना बुकर, ये तो पूरी सुरंगी सुरंगी है यहाँ पर, आइएगा देख रहे जी। अबू बकर जल्दी आना, जल्दी आना, जल्दी आना, जल्दी आना, इसको शूट करना, समझ आ रही है क्या, ये समझ आ रहा है क्या, ये समझ पा रहे हो उसको, ये क्या है, ये जानवर, सफेद रंग की बिल्ली है, उसकी बॉडी यहाँ पर है, शायद आप भी जानते हैं, हमारे देखने वाले समझ सकते होंगे कि जहाँ हमें इस तरह का कुछ मिला है वहाँ हमारे साथ क्या हुआ है, तो आप पढ़ लो। इतना बड़ा, इतने बड़े तहखाने में शायद आज से पहले हम गए नहीं है, ज्यादा कैसे ट्राई करते हैं, एक मिनट अबू बकर, क्या कह रहे हैं, सामने से चलते हैं, यहाँ से चलो, शूट करना है इसको, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी ऊपर ऊपर शूट करना, देयर आर मैनी ऑफ देम, बहुत सारे चमगादड़े हैं, अल्लाह अबू बकर, ये कॉकरोचेस शूट करना, अबू बकर ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, ये देख रहे हो कॉकरोचेस, ये नजर आ रहे हैं, कैप्चर हो रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऊपर जा रहे, इधर आओ, इधर, ये जा रहे हो, वो देखो, अल्लाह, ये निशानियां होती है ना, क्या कहा जाता है, अजीब जगहों पे ये होता है, ये देखो अल्लाह, सामने देखे, सामने देखे, ये क्या है, एक और लाश है, है ना, कोई जानवर की है ना, बिल्कुल काट चुकी है, ये गली की है ना, एक और बिल्ली है, तो अब अस्तखबारी, क्या बिल्ली का कब्रिस्तान है, क्या मुसीबत है यार, मैं एक जगह पहले गया था, वहाँ बहुत सारी बिल्लियों के ढांचे थे, यहाँ हमें दो तो मिल गए हैं, है ना, अबू बकर यहाँ तो चमगादड़े हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है यहाँ तो, अस्सलाम वालेकुम, आओ जरा सर पे हाथ रख लेना ऐसे, Thank you.
इसका मुंह शूट करना, यहां से आना, जूम हो सकता है। ना पर क्या आवाज सुन रहे हो सज्जाद? मेरे पीछे है कोई है? मेरे पीछे कोई है। चल हाँ, ये भी ढांचा ही है ना। क्या है यार ये जगह, शूट हो रहा है सब जी। क्या जगह है यार, आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर कैसी माहौल होगा, कैसी स्मेल होगी। चिमगाड़े यहाँ पे हैं, कॉकरोचेस यहाँ पर हैं, जानवरों के ढांचे यहाँ पर हैं, और है सैकड़ों साल पुरानी तहखाने में हैं हम। ये चमगादड़ों की आवाजें, यहाँ से चले वहां पर। आवाज आ रही, कान बंद नहीं हो रही यहां पर। ये देखा जब ये रास्ता है, ये तो जी देखा। असल में इसके इससे भी बहुत रास्ते जाते होंगे पहले जमानों में, जो किले होते थे। यही होता था कि अंडरग्राउंड टनल्स बहुत होती थी। ये तो ये भी मखदूश हो गया है, लेकिन ये एक बाकी है टनल, जहाँ जो जाता है उसके साथ जो होता है। सुना आपने? लेकिन यार यहाँ जो निशानियाँ मिली हैं अभी तक वो अच्छी नहीं है। मतलब स्मेल के मुझे ऐसा लग रहा है कोई सुन रहा है मुझे, और मैं बहुत एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल कर नोट करें वो। मेरा तो याद पूरा शर्म हो रहा है यार। देखिए मैं समझता हूँ, जानता हूँ, मेरी अकल के मुताबिक जितना मैं जानता हूँ कि आपको गार पसंद होते हैं रहने के लिए। ये भी गार नुमाई है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है और रोशनी नहीं है। अगर यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई मखलूक मौजूद है तो बगैर नुकसान पहुँचाए खुद को जाहिर करे। कॉकरोचेस है देखना आ रहे। सज्जाद मेरे पीछे है कोई है? मेरे पीछे कोई है? नहीं कोई नहीं है। ना पर क्या आवाज सुन रहे हो सज्जाद? मेरे पीछे है कोई है? मेरे पीछे कोई है? नहीं कोई नहीं है। मेरे पीछे कोई नहीं है।
सज्जाद हाँ लाइट कर भी मेरे बैग पे लाइट कर बच्चा भी है नहीं है अबू बकर कुछ भी नहीं है सज्जाद आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे ना ले कोई पता समझ नहीं आ रही हम कहाँ जा रहे हैं इधर ओ ये जल्दी आ इधर अबू बकर लाइट लाओ ये भागेंगी लाइट से ये क्या था कौन है कौन हो सांस ले रहा है ऐसे ही है अच्छा चमगादड़ थी निकले जरा भाई बाकी कोनों की सीढ़ियाँ जो हैं अबूबकर वो जो हैं नहीं है यहाँ से जाना पड़ेगा आजो अबू बकर जल्दी आओ बच्चों की आवाज आ रही है इस जगह कोई है ये आवाज किसकी है सुना ये हाँ सांस सुनी ना हाँ ये वही जो तहखाने में आवाज थी हाँ ये वही आवाज है हाँ सजाद देख के वो छत्ता लगा हुआ कहाँ है साइड पे किधर ये आपके सर के पास अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं दोबारा बच्चे की रोने की आवाज तो आ रही लेकिन मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि यार दूर आबादी है यार इतनी दूर आबादी से आवाज कैसे आई खुद सोचें इस बात का बच्चे की हो कौन हो इस जगह के बारे में ये देख ले हमारे दो साथी बाहर हैं हम सिर्फ दो अंदर हैं असद के आते ही जो है ना चोट लग गई और उसको हमारे साथ नहीं है सुहेल भाई भी पहुंचते ही तबीयत आउट हो गई तबीयत आउट हो गया उसने इस कॉर्नर के बारे में बताया था जी
सैफुल्ला भाई ने ना आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होंगी ना सजाद जी वो देखे सामने क्या है क्या है वो सामने देखे पिता मतलब किधर वो सामने ये सामने ना हाँ ये क्या है अबू बकर ये क्या है कुछ भी नहीं चार तरफ अंधेरा है जस्ट लेकिन बालकनी के अंदर हाँ ये क्या है एक आंख है हाँ ये एक आंख है ये क्या है ऊपर लाइट दे उधर लाइट दे ये देख हाँ ये क्या है कुछ भी नहीं है अबू बकर कुछ है किस चीज़ की ये किसी का सर है अबू बकर सर नहीं आंख जिस तरह हमने वो सीढ़ियों पे नहीं देखे थे ये कोई आंख है ये ऊपर कैसे आ गई वही तो देखे वहाँ तो छत भी नहीं है ये ऊपर वाले फ्लोर पे कैसे आ गई जूम हो रहा है मैं करता हूँ मैं करता हूँ वहाँ तो छत भी नहीं कोई आगे खड़ा हो सकेगा ये अबू बकर ये क्या अल्लाह पाक ये पता है कम ज्यादा हो रही है इसकी रोशनी कम ज्यादा हो रही है ओए होए अबू बकर वहां जाके देखना वहां जाने का रास्ता नहीं तो छत नहीं है गए नहीं थे वहां पे वहां तो छत ही नहीं है छत नहीं है तो कैसे कोई खड़ा हो सकता वहां पे किसी जानवर की आंख वहां कैसे जा सकती है बहुत बड़ा किला है बहुत बड़ी जगह है हम जो हैं चार के बजाय दो लोग हैं और एक जगह चढ़े हैं कुत्ते भौंकना शुरू हो गए अब उसी जगह चढ़े हैं इसकी कई सीढ़ियां बाकी हैं कई सीढ़ियां ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर क्या अबू बकर रोशनी यहीं से आ रही थी ना एक हाँ। यहाँ कोई है अबू बकर ये भी कॉर्नर है चौथा कॉर्नर इधर है कोई यहाँ कोई है यार कहाँ पे इस जगह कोई है ये आवाज सुना ये हाँ। सांस सुनी ना ये वही जो तहखाने में आवाज थी हाँ ये वही आवाज है हाँ इस जगह कोई है ये आवाज किसकी सुना ये हाँ सांस सुनी ना हाँ ये वही जो तहखाने में आवाज थी हाँ ये वही आवाज है हाँ यार ये सजाद बहुत एग्जाम है अबू बकर कोई है यहाँ पे है ये क्या है ये ये क्या है ये क्या था यार तो गुजरा यहाँ से इतना लंबा ये कैसे ये कोई साया था अबू बकर उसका साया उसका हाइट देखी थी यार दरवाजे से ऊपर था वो इस दरवाजे पे सही कह रहे हो सही कह रहे हो इस दरवाजे से ऊपर था कौन है यार कहाँ गया वो जा देख देख आके यार ये कैसे हो सकता है इधर भी जगह नहीं है सामने भी देखे वो खाई बनी हुई है यहाँ भी छत नहीं है इसी जगह के बारे में कह रहे थे ना वो साये दिखते हैं कौन हो दोबारा बात करोगे मुझसे कहाँ हो जा तो ऊपर देख किधर सामने ऊपर किधर 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 यार इधर ही अभी कुछ मैंने देखा था क्या जैसे जैसे यहाँ से दीवार में नहीं कोई चीज़ की जैसे आप कह रहे हैं इसी तरह का सेम वही चीज़ देखी जैसे फुल हाइटेड ऊपर तक गया हुआ था वो सामने देखे ये जो हम देख रहे हैं हमने कैमरे पे देखा है ये सब यार ये सजाद बहुत एक सामने अबू बकर कोई है यहाँ यहाँ पे है ये क्या है ये क्या है ये क्या था इतना लंबा ये कुछ आया था ये क्या था इतना लंबा
कुछ आया था।